साल 2020 में आने वाली भाद्रपद के महीने की पूर्णिमा तिथि कब है और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, भाद्रपद पूर्णिमा का क्या महत्व है, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, पूर्णिमा तिथि कब समाप्त होगी, यह सभी जानकारी आपको आज के इस एपिसोड में दी जाएगी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धर्म कर्म से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि प्रिय भक्तों, जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए भगवान शंकर जी को नमस्कार कर शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भाद्रपद के महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को भाद्रपदी पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्र पूर्णिमा का व्रत जो भी करता है उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है, और भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करना और इस दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करना बेहद पुण्य माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो लोग पूर्णिमा के दिन अपने घर पर सत्यनारायण कथा करते हैं या ब्राह्मण के द्वारा सत्यनारायण कथा का पाठ करवाते हैं, तो उनको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म तक का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साथियों, भाद्रपदी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत का पाठ किस प्रकार करें? या तो आप स्वयं भगवान सत्यनारायण देवता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनकी कथा पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने किसी ब्राह्मण को बुला करके उनके द्वारा भगवान सत्यनारायण की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और कथा करवाएं। कथा के बाद भगवान सत्यनारायण देव की आरती जरूर करनी चाहिए। साथियों, जो भी मनुष्य पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और वह मनुष्य कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। सत्यनारायण की कथा से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है, और संसार के जितने भी सुख हैं समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बात करेंगे साल 2020 में भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि कब है और उसका समय क्या रहेगा। प्रिय बंधुजनों, यहां पर साइड में स्क्रीन पर मैं शो करे दे रहा हूं कि साल 2020 की भाद्रपदी पूर्णिमा कब है। साथियों, साल 2020 की भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 2 सितंबर बुधवार के दिन होगी। साइड में यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है, 2 सितंबर बुधवार के दिन भाद्रपदी पूर्णिमा होगी। और अब मैं यहां पर शो करूंगा पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने का समय। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 1 सितंबर को सुबह 9:40 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 2 सितंबर को सुबह 10:14 पर। डेट और टाइम मैंने यहां साइड में स्क्रीन पर शो कर दिया है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जानकारी को आगे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सत्य को फैलाना है और भ्रम को हटाना है। प्रिय बंधुजनों, भाद्रपद के महीने की जो है पूर्णिमा तिथि होगी, इस तिथि को अपने घर पर आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, और हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी मनुष्य स्त्रियां अपने घर पर कीर्तन संगीत का आयोजन करती हैं और हरि नारायण का गुणगान करती हैं, भगवान सत्यनारायण का गुणगान करती हैं, उनको समस्त इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रिय बंधुजनों, भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए सबसे पहले आप उनका विधिवत रूप से पूजन करें, उनके लिए जो है प्रसाद तैयार करें, पंचामृत और चरणामृत तैयार करें। चरणामृत के अंदर
तुलसी दल जरूर डाल लें, क्योंकि तुलसी दल डालने के बाद ही वह भगवान विष्णु को अति प्रिय हो जाता है। इसलिए जब भी आप चरणामृत बनाते हैं तो तुलसी दल उसमें डालना मत भूलें, क्योंकि कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशन विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, कि जो चरणामृत को ग्रहण करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके बाद आपने भगवान सत्यनारायण की कथा में बाल भोग भी जरूर तैयार करना है। भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को आप सभी में वितरित कर सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो पूरा दिन आपने सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है, उनका गुणगान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान सत्यनारायण देवता, आप सभी की इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो, मेरे द्वारा आपका यह व्रत किया गया है और मम अभिलाषित मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य स्त्रियां सत्यनारायण भगवान पूर्णिमा का व्रत करती हैं उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधुजनों, यह मैंने आपको बताया कि साल 2020 में भाद्रपद के महीने की पूर्णिमा तिथि कब है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें। प्रिय बंधुजनों, अगर आपका जन्म कुंडली लग्न कुंडली संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमसे पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। हमें आपके प्रश्न का उत्तर देने में बेहद प्रसन्नता होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहें। आपके ऊपर भगवान शंकर जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभम सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनम्। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।